हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा द मायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको जीवा आयुर्वेदा ब्रांड के गिलॉय तुलसी प्लस जूस के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये जूस आपके बॉडी को किस तरीके से फ़ायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इस औषधि का रिव्यू करेंगे, यूजेस, प्राइस और बेनिफिट, साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में। उससे पहले गाइज, आपने अगर हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, जो भी डालूंगी, उनको वो आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं गिलॉय तुलसी प्लस जूस के बारे में। ये गई जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक दवा है, जिसको जीवा आयुर्वेदा ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इस जूस का उपयोग गई मुख्य रूप से आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में किया जाता है। गई अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप इस जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गिलॉय और तुलसी प्रेजेंट है, जो कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ साथ ही आपके ब्लड के अंदर जो गंदगी होती है, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उन्हें भी शरीर से बाहर निकाल देती है। जॉइंट और गाउट से संबंधित परेशानियों को भी दूर करती है, जिसके आपके जॉइंट पेन हो रहा है या फिर आपको वायरल फीवर हो गया है या फिर जुखाम खांसी जैसी समस्या हो रही है, तो ये जूस गाइस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, जो कि आपके वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके अंदर गाइस जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, सारे औषधीय इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बात कर लेते हैं गाइस कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं। इसके अंदर गाइस इंग्रेडिएंट के रूप में इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है गिलॉय तुलसी, यानी कि इसके अंदर गाइस गिलॉय और तुलसी इंग्रेडिएंट के रूप में प्रेजेंट है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरीके से बढ़ाता है। इसके अंदर गाइस शुगर 0% है और फैट भी इसके अंदर 0% है, तो इसीलिए गाइस इस जूस को पीने से ना तो आपका वजन बढ़ने वाला है, ना ही इसके अंदर शुगर है, जिससे आपको डायबिटीज की समस्या हो जाए। इसीलिए गाइस इस जूस का इस्तेमाल डायबिटीज वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, लेकिन गाइस डायबिटीज वाले पेशेंट इस जूस का इस्तेमाल डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल भी ना करें, या फिर अगर आपको कोई और बीमारी हो, कोई और दिक्कत हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस जूस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और गाइस अगर आपकी जैसे कि अस्थमेटिक कोई भी दिक्कत हो, टॉन्सिल हो गए हो, कफ, जुखाम, खांसी जैसी समस्या में आपको राहत देगा। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। सेवन गाइस आपको किस तरीके से करना है वो बताती हूँ। इसका सेवन करने के लिए आपको कम से कम 20 ml जूस लेना है, उसे पानी के साथ मिक्स कर लेना है। दिन में 2 बार गाइस इसका सेवन करना है, खाली पेट आपको इसका इस्तेमाल करना है, और या फिर एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फ़ायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए गाइस डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो होम्योपैथिक हो या फिर एलोपैथिक। इसका प्राइस की बात करें तो गाइस इसका जो प्राइस है वो है 250 रुपये। गाइस थोड़ा महंगा है, पर बेनिफिट वाकई में गाइस इसका अच्छा है, आपको अच्छे भी रिजल्ट देगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं। तो आप बोलेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीदें, तो गाइस ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन जीवा की साइट पर जाके परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से खरीद सकते हैं, जैसा आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप इसको खरीद सकते हैं। अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिल रहा हो या ऑनलाइन साइट पर जाके आपको नहीं मिल रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस एक बार चेक जरूर करें, मैंने लिंक शेयर की हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा, पर डॉक्टर की सलाह के बिना सेवन नहीं करना। और गाइस जूस का इस्तेमाल खुराक से ज़्यादा मात्रा में भी नहीं करना है, कि आप ज़्यादा मात्रा में ले लें जिससे जल्दी से सही हो जाए, इन्फेक्शन जल्दी से ख़त्म हो जाए और कोई रोग आप आसानी से आपको जल्दी से नहीं हो पाए, तो गाइस ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके पेट की गड़बड़ी हो सकती है या फिर कोई अन्य समस्या भी हो सकती है। इसीलिए गाइस खुराक से ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है। तो गाइस ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम में लाया जाता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, पाचन शक्ति को इम्प्रूव करेगा, और डायबिटीज जैसी समस्या में भी ये काम में लाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर शुगर तो है ही नहीं गाइस, तो डायबिटीज वाले पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना। तो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।